पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चैनमिंग का जो बीस था ड्रैगन वाला वो खाना पीना बंद कर देता है इस वजह से चैनमिंग परेशान हो चुका था कि अब वो उसे क्या खिलाए वो अलग अलग चीजें ट्राई करता है लेकिन वो बीस किसी चीज को भी खाने के लिए तैयार था, था ही नहीं तब चैनमिंग को पता चलता है की तो पावरफुल चीजें खाता है जैसे की उसका तालिसमान उसकी हाई लेवल की पेड़ या फिर कोई टेक्निक वगैरह होगी इसी तरह की चीजें खाकर वो अपना पेट भरता है बड़ा ही गजब किस्म का वो बीस था उसी के साथ साथ जब चैनमिंग और ज्यादा तालिमान अपने बीस के लिए बनाने के लिए मास्टर वी के पास आता है तो वो यहाँ पर अपना एटीट्यूड दिखाने लग गया था इस वजह से चैनमिंग को गुस्सा आ जाता है तो वो यहाँ पर मास्टर वी की अच्छी तरह से कुटाई कर देता है तालिसमान बना बना कर बहुत मारता है उसको जिसके बाद से ये एपिसोड एपिसोड शुरू होता है तो इस की शुरुआत में लाइब्रेरी के अंदर बैठा हुआ था तब वहाँ पर शिवामी आती है जो उसे कह रही थी की चैनमिंग तुम्हें पता है कांग का जो एडर था ना उसने कुत्तों की तरह मास्टर वी को मारा उसकी पूरी कल्टिवेशन डिस्ट्रॉय हो गई अब मुझे नहीं लगता कि वो ढंग से तालिसमान वगैरह भी बना पाएगा उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है चैनमिंग चलो बहुत अच्छी बात है जैसा उसने कहा था उसको उसका फल मिल गया उसके साथ तो ऐसा होना ही था शिवमी कहती कि मैं ना यहाँ पर आपको एक और चीज के बारे में बताने के लिए आई हूँ आपको पता है की स्पिरिचुअल फ्रूट जो है ना वो अब अच्छा खासा ग्रो कर चुका है वो हमें गोल्डन सिटी के गार्डन वाले एरिया में मिलेगा क्यूँकी पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट में सिर्फ वही जगह पर वो स्पिरिचुअल फ्रूट उगता है करीब तीन चार साल में एक ही बार वो उगता है लेकिन जब वो उगता है तो सारे के सारे लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं जन्मी कहता आखिर ये किस तरह का फ्रूट है मैंने इसके बारे में तो पहले कभी सुना ही नहीं ये काम क्या आता है श्यामी कहती है की आपको नहीं पता क्या वो स्पिर फ्रूट क्या काम आते हैं वो बहुत ज्यादा कमाल की चीज है एक नॉर्मल कल्टिवेटर की कल्टिवेशन स्पीड को वो बहुत ज्यादा स्पीड से बढ़ा देता है अभी जैसे कि आपने अपना मार्शल रन ब्रेक थ्रू किया है तो इसको करने में आपको थोड़ा टाइम लग गया था लेकिन इसके आगे अगर आपको जाना है और बहुत ज्यादा पावरफुल होना है तो समझो की अगर जितनी कल्टिवेशन आप दस साल के अंदर करेंगे वो स्परिचुअल फ्रूट आपको एक से दो दिन के अंदर उतनी कल्टिवेशन करवा के दे देगा इतनी ज्यादा पावर है उस स्पिर फ्रूट के अंदर और वही स्परिशुअल फ्रूट आज तीन से चार साल बाद एक बार उगने के लिए तैयार है वो पूरी तरह से मिच्योर हो चुका है तो हम उसे जाकर ले सकते हैं चनमिंग के दिमाग में लालच भर जाती है की अरे वाह इतना कमाल का स्पिरिशल फ्रूट है ये तो बहुत अच्छी बात हो गई जब फ्रूट यहाँ पर मिच्योर हो चुका है तो मैं यहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहा हूँ मैं अभी जाता हूँ और उस पूरे के पूरे स्प्रिशल फ्रूट को तोड़ लूंगा उसकी मदद से मैं अपनी कल्टिवेशन पावर को बढ़ाने की कोशिश करूंगा चन्मिंग जैसे ही आगे बढ़ा था उसे रास्ते में कियान दिखाई देती है चूकी उस कलवे को तालिस्मान खिला देती है चन्मिंग उसे कहता है कि तुम तो मेरे साथ चलना तुम यहाँ पर इस कलवे का ख्याल रखो और उसको पेट भर के उसको जो चाहिए वो खिला देना वरना अकेले कौन से कोने में घुस के ये मर मर आ गया मुझे पता भी नहीं चलेगा इधर शिवामी ने अपने उसी बर्ड को ला लिया था ताकि उसके ऊपर बैठ कर चैनमिंग और वो यहाँ लिए निकल जाए लेकिन वहाँ पर लिंगर भी आ जाती है जो कुछ घोड़े को लाई हुई थी वो चाह रही थी की वो भी चैनमिंग के साथ जाए शिवामी को गुस्सा आ जाता है की तो हम दोनों पर्सनल जाने वाले थे ना अब ये कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई लिंगर कहती है सेक मास्टर तो मेरे भी है जहाँ पर वो जाएंगे मैं भी उनके साथ ही जाऊँगा तो तुम मुझे ऐसे नहीं रोक सकती मैं चाहूंगी तो जाकर ही रहूंगी श्यामी को आ रहा था गुस्सा वो सोच रही होती कि अब मैं इसे कैसे तब उसे एक अच्छा सा आइडिया आता है वो चैनमिंग को थोड़ा साइड करते वे लिंगर को अपने पास बुलाती है और उसके कान में कह रही थी कि, तुम्हें पता है मुझे ना एक चीज पता चली कल के दिन तुमने लाइब्रेरी के अंदर ऐसी अच्छी वाली टेक्निक चुराई परसों के दिन तुमने गोडाउन के अंदर ऐसी दो हाई लेवल की पिल चुराई थी और आज के दिन तुमने जो चैनमिंग का नाश्ता था जो वो नहीं कर पाया था तो तुमने पूरा का पूरा चुरा के खा लिया अब तुमने तीन चोरी की है तो तीन चोरी के बदले तुम्हें तो सजा होगी और मैं पनिशमेंट डिपार्टमेंट की मास्टर हूँ तो मैं ही यहाँ पर तुम्हें सजा दूंगी तो बताओ कैसे सजा खाओगी लिंगर ये सुनकर एकदम ज्यादा घबरा जाती है की नहीं मुझे सजा नहीं खानी आप प्लीज इसके बारे में किसको मत बताना और मुझे सजा भी मत देना श्यामी कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है तो मेरा एक काम करना पड़ेगा उसके बदले में तुम्हें सजा नहीं दूंगी और वो काम है ये की तुम चैनमिंग के साथ मत जाओ तुम यहाँ पर नाटक करोगी तुम्हारा पेट में गड़बड़ हो गया है तो चैनमिंग तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाएगा इसलिए लिंगर वहाँ पर नाटक करती है कि चैनमिंग मुझे पता नहीं सुबह सुबह किसी ने जमाल गोटा खिला दिया या क्या खिला दिया मेरा पेट एकदम गड़बड़ हो गया मुझे बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा तो तुम यहाँ पर श्यामी के साथ चले जाओ मैं तुम्हारे साथ नहीं जा पाऊंगी चैनमिंग कहता चलो ठीक है कोई बात नहीं तुम जाओ और आराम करो हम दोनों ही यहाँ से चलते हैं दूसरी तरफ हम उसी जासूस को देखते हैं जिससे एक रिपोर्ट मिली थी कि चैनमिंग अभी गया हुआ है उसी स्प्रिशल फ्रूट को हासिल करने के लिए तो वो यहाँ पर अपने एक और जासूस को हायर कर लेता है ताकि वो चैनमिंग को यहाँ पर सबक सिखा सके क्यूँकी में ऐसी तो कोई ढंग का काम हो नहीं रहा था लेकिन दूसरा जो जासूस था उसका नाम बीटा ट्रिपल वन था बड़ा ही अजीब नाम होता है लेकिन उसका वही नाम था जो कि हर घंटे के अच्छे खासे पैसे चार्ज करता है जासूस के पास कोई चारा नहीं था लेकिन फिर भी वो उस बंदे को हायर कर ही लेता है दूसरी तरफ चैनमिंग और श्यामी दोनों उसी बोर्ड के ऊपर सवार होकर वहाँ से आगे बढ़ रहे थे श्यामी को काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है की चैनमिंग मेरे कितने करीब बैठा है आधे मीटर का भी हम दोनों के बीच में फासला नहीं है वो चैनमिंग को जैसे छूने वाली थी चैनमिंग पीछे मुड़ देख लेता है इस वजह से तो श्यामी घबरा जाती है वो फटाफट से शराब निकालती है ताकि वो चैनमिंग को दे सके लेकिन स्पीड तेज होने की वजह से शराब भी वहाँ कुछ फ्रूट ही निकाल देती है चलो यहां पर फ्रूट खाएगा तो टाइम पास हो जाएगा लेकिन स्पीड तेज होने की वजह से फ्रूट भी वहाँ से नीचे गिर जाता है श्यामी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था की ये सब इस बर्ड की गलती ये इतना स्पीड से चल रहा है तो सब सामान गिरते जा रहा है तो वही घसीट के मुक्का मार देती है उस बर्ड को जिस वजह से वो बर्ड अपनी स्पीड स्लो चन्मिंग कहता है अरे श्यामी क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना बदली बदली ऐसी लग रही हो आराम से बैठो हमें जल्दी चलना है उस फ्रोट को हासिल करने के लिए ये लोग जैसे ही थोड़ा दूर आते हैं वहाँ पर लिंगर आ जाती है जो की अपना घोड़े पे सवार होकर इनका ही पीछा करते हुए आ गई थी लिंगर कहती होती है की चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं तो चन्मिंग ऐसी दूर नहीं जा सकती मैं तो उसके साथ ही रहूंगी अब ये श्यामी मुझे कोई भी पनिशमेंट दे मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता श्यामी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है की ये फिर से कबाब में हड्डी बनने के लिए आ गई बस एक बार यहाँ का काम खत्म हो जाए मैं इसको ऐसी सजा दूंगी ना जो हमेशा याद रखेगी दूसरी तरफ हम एक सेट का सीन देखते हैं जहाँ पर सीतू नाम का एक बंदा बैठा हुआ था बड़ा ही घमंडी और एक नंबर का घटिया किस्म का आदमी होता है उसने कुछ अपने साथियों को गले में पट्टा बांध कर वहाँ पर रखा हुआ था बिल्कुल कुत्तों की तरह और वो उन्हें खाना फेंक फेंक कर दे रहा होता है वही पर सीधू का बाप भी खड़ा हुआ था जिसके पास एक एल्ट्रा आकर एक रिपोर्ट देता है की वी जो है उनकी कल्टिवेशन बर्बाद कर दी गई बहुत बुरी तरीके ऐसी उन्हें मारा गया है जिस सुनकर सीधु का बाप हैरान रह जाता है की कहीं जुनुग से मास्टर को पता तो नहीं चल गया की उस मास्टर वी को नहीं बेचा था उसकी जान लेने के लिए उसी के साथ साथ उसे तो ये भी पता चलता है कि जुल्लॉक सेक का जो मास्टर है वो भी गया हुआ है उसे इस फ्रूट को हासिल करने के लिए जो कि बहुत टाइम से वो हासिल करना चाह रहा था असल में जो सीतू और उसका जो बाप है वो दोनों जो पुराना वाला सेक्ट मास्टर था उसे समझ रहे थे उन्हें नहीं पता है की वहाँ का सेक्ट मास्टर बदल चुका है और अब चैनमिंग वहाँ का नया मास्टर बना है जो की बिल्कुल बेडस किस्म का बंदा है और किसी का एटीट्यूड तो वो बिल्कुल भी नहीं झेलता सीतू का बाप परेशान था की अब सेक का मास्टर भी वो फ्रूट को चाह रहा है तो हमारे लिए वो फ्रूट को हासिल करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा लेकिन हमें तो वो फ्रूट चाहिए हम काफी टाइम से इंतजार कर रहे थे कि कब वो फ्रूट मिचोर होगा तो हम उसे लेंगे अपने बाप से कहता है कि पिताजी आप टेंशन क्यों लेते हैं आपका बेटा है ना यहाँ पर इस बार का काम मुझे दे दो मैं कैसे भी करके आपके लिए वो स्पेशल फ्रूट ला कर ही रहूंगा आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं आप यहाँ पर आराम कीजिए ये सुनकर उसका बाप कहता है की वाह शाबाश मेरे बच्चे आज तो यहाँ पर बड़ा हो गया तो मेरी जिम्मेदारियाँ संभालने के लायक हो चुका है तो चाह मैं तुझे देता हूँ ऑफर की तू मेरे लिए वो स्पेशल फ्रूट ला दे उसके बदले तुझ मांगे तेरा बाप तुझे वो देने के लिए तैयार है सीतू एड्रेस ऐसी कहकर ये न्यूज फैला देने कहता है कि इस बार सीतू भी जा रहा है उस स्प्रिशल फ्रूट को लाने के लिए ताकि पूरे के पूरे लोग जो भी उस फ्रूट को हासिल करना चाहते हैं वो सीतू का नाम ही सुनकर डर जाए और वो उस फ्रूट को लेने के लिए चाहे ना ये खबर जैसे ही फैलती है सबके सब, सब लोग एकदम ज्यादा हैरान रह जाते हैं की इस बार सीतू भी आ रहा है वो फ्रूट लेने के लिए सीतू तो बड़ा ही पावरफुल किस्म का बंदा है तो हम उससे नहीं लड़ पाएंगे हमने काफी से सोच के रखा था की हम भी उस स्प्र फ्रूट को लेंगे लेकिन इस बार सीतू की वजह से हमारा सपना सपना ही रह जाएगा इस पूरी की पूरी सिटी के अंदर किसी के अंदर भी हिम्मत नहीं है की वो सीतू से पंगा ले और उससे वो फ्रूट को छीन सके एक बार उसकी नज़र फ्रूट में चल गई तो मतलब समझ जाओ की वो उसे लेकर ही रहेगा वहीं पर बैठा ट्रिपल वन भी बैठा हुआ था जिससे जासूस ने हायर किया है चैनमिंग के ऊपर नजर रखने के लिए उसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पर तो सीतू भी जा रहा है चैनमिंग को मारने के लिए तो मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है मैं बस ऐसी फीस लेता हूँ और आराम से यहाँ पर बैठ जाता हूँ सीतू ही जाकर चैनमिंग का खेल खत्म कर देगा और मुझे फुकट की फीस मिल जाएगी चलो किस्मत बहुत अच्छी है मेरी दूसरी तरफ हम उसी गार्डन का सीन देखते हैं जहाँ स्पेशल फ्रूट उगने वाला है वहाँ का जो फ्रूट था वो एकदम मिचोर और काफी अच्छी तरह से पक चुका था जिसे इस्तेमाल करने के लायक हो गया होता है सीतू अपने बाकी साथियों के साथ वहाँ पर पहुँच चुका था पहुँचने के बाद कहता है की अरे वाह यहाँ पर तो कोई भी नहीं आया मेरे नाम से लोग इतना डरते है की मैं जब यहाँ पर आने वाला था तो ये खबर सुनते ही सब लोगों ने अपने कदम पीछे कर लिए तो मैं आसानी के साथ ये फ्रूट लेकर जाऊंगा और अपने पिता को गिफ्ट कर दूंगा बड़े खुश हो जाएंगे वो मुझ पे गर्व भी करेंगे जाओ फटाफ तो उस स्पेशल फ्रूट को तोड़ के ला हम यहाँ से इसे लेकर चलते हैं लेकिन तभी वहाँ पर लिंगर आ रही होती है जो घोड़े पे सवार होकर यहाँ आई थी उसे देख सीतू कहता है की अरे वाह यहाँ पर ये यह लड़की आ रही है अगर कोई लड़का होता है इस फ्रूट को लेने के लिए आया हुआ तब तो मैं इसे मार देता लेकिन लड़कियों को मैं नहीं मारता लड़कियों को तो मैं अपनी रानी बनाकर ले जाता हूँ बड़ी सुंदर दिख रही है तो मैं इसे अपने साथ ही ले जाऊंगा इस फ्रूट के तभी वहाँ पर श्यामी भी आ जाती है श्यामी को देखकर तो उस सीतु के मुँह ऐसी लाट लग गई थी कि अरे वाह एक से बढ़कर एक सुंदरी ही यहाँ पर आ रही है ये तो पिछली वाली से भी ज्यादा सुंदर है अब मैं इस फ्रूट के साथ दोनों को फ्री में ऐसे ही ले जाऊंगा देखता तो हूँ मुझे कौन रोक सकता है लेकिन जब वहाँ पर चैनमिंग आता है और लिंगर श्यामी दोनों उसके पास जाकर खड़े हो जाते हैं तो सीतु का दिमाग में आग लग जाती है की ये गधा कौन आ गया जिसके पीछे ऐसे चिपक रही है की जैसे लगा दिया उन दोनों के ऊपर वो एकदम चलकर लाल हो चुका था की यहाँ पर मेरे पास एक लड़की नहीं है और इसके ऊपर तो दो दो, दो चिपक रही है वो चैनमिंग से कहता है की तू है कौन तुझे नहीं पता की सीतु यहाँ पर आ रहा था और तू फिर भी यहाँ पर फ्रूट को लेने के लिए आ गया अब मेरे नाम से सुनकर सब लोग पहले भाग चुके हैं लेकिन तू नहीं भागा ज्यादा जिगरा दिखा रहा है जिग्र फाड़ के तरह मुंह में डाल दूंगा क्योंकि ये फ्रूट मेरा है और जो चीज मेरी हो जाती है तो कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता वैसे तू तो बताएगा है कौन तू और तू कहा से आया हुआ है चैनमिंग उसको देख कर कहा था की अब यार ये सुकड़ा जोबी कहाँ से आ गया कितना गंदी शक्ल है इसकी ये क्या बक -बक कर रहा है मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा वैसे आखिर है ये कौन ले चैनमिंग को बताती थी की आप नहीं जानते क्या ये ना एक नंबर का घड़िया आदमी है इसके पास पावर तो उतनी नहीं है लेकिन अपने आप को एकदम राजा महाराजा समझता है बहुत ही ज्यादा हाई लेवल का ये समझता है और लोगों पे अत्याचार वगैरह किया करता है सितु वहाँ श्योमी से कहता है की ओर लाल परी तू पहले आ जा मैं तुझे ही अपने साथ ले जाता हूँ बाद में इस दूसरी वाली को ले जाऊंगा मेरी फैमिली के अंदर तुझे हर एक सुकून मिलेगा जिसकी तू कल्पना तक नहीं कर सकती तो आ जाओ मैं तुझे बहुत खुश रखूंगा श्यामी को इतना गुस्सा आ रहा था कि वो तो यहाँ पर एक ही बार के अंदर उस सीतू का बैंड बजाकर उसे मार ही डाले लेकिन उसे एक अच्छा आइडिया भी मिल जाता है वो चैनमिन से कहती है कि सेट मास्टर देखो ना ये आपके सामने मुझे कैसे गलत गलत कमेंट्स पास कर रहा है ये मुझे यहाँ पर परेशान करने की कोशिश कर रहा है तो आपको इसे सबक सिखाना होगा आप मुझे बचाने के लिए और मेरी इज्जत बचाने के लिए इतना तो कर ही सकते ना मुझे बचा लीजिए ये बहुत गंदे नजर मुझ पे डाल रहा है लिंगर कहती है कि बड़ी चालू लड़की है ये इसकी जितनी चालू लड़की मैंने कभी नहीं देखी अभी ये चाहे तो दो था पड़ में यहाँ गेम बजा सकती है लेकिन चैनमिंग का फेवर अपनी तरफ करने के लिए कितना बहाना करती है हद यार को गुस्सा आ रहा था की आखिर ये बंदा है कौन जो यहाँ पर आकर इतना घूर के मुझे देख रहा है तो सीतु का साथी उससे बताता है की मैं को नहीं पता ये कौन है मैंने इसको पहली बार देखा है लेकिन हाँ लोगों का कहना है की ये जोनोक सेट का नया मास्टर बना हुआ है कहता कि अच्छा तू नया मास्टर बना तभी तेरे अंदर इतना घमंड आ गया है घमंड को चूर करना मेरी पुरानी आदत है तो लड़कियों के पीछे क्या चुप कर बैठा है आज सामने आना श्याम में तो बस यहाँ पर चैनमिंग को भड़काया जा रही थी की देखो ना ये मुझे कितने गलत कमेंट तो पास कर ही रहा था अब तो ये मुझे धमका भी रहा है की मेरी जान ले लेगा आप जल्दी से जाकर उसको मारो सीतू एकदम घबरा गया था की ओर लड़की तू यहाँ पर मेरे ऊपर गलत इल्जाम क्यों लगा रही है बिला मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है मैं तो करीब तेरे गया भी नहीं अभी तक की और तुझे कैसे मार सकता हूँ तू इस बंदे को लेकर बहुत उछल रही है ना तुझे लगता है कि ये बंदा मेरा बैंड बजा देगा कभी नहीं हो सकता मैं तेरे सामने इसको ऐसा मारूंगा कि तू खुद भागकर मेरे पास आ जाएगी और मुझसे चिपकने लग जाएगी वो जैसे यहाँ पर श्यामी को गाली देने वाला था उसी के साथ साथ वो चन्मी को भी बहुत बुरा भला कहता है इस चीज को यहाँ पर सुनकर श्यामी का दिमाग फिर जाता है वो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग वाला अटैक सीधा सीतू के ऊपर करते हुए कहती की देख तू नहीं यहाँ पर मेरे बारे में बुरा भला कहा मैंने सुन लिया लेकिन तू चन्नी के बारे में बुरा भला कहेगा तो मैं बिल्कुल भी नहीं सुनने वाली इस वजह से मैंने तुक अभी बस छोटा सा अटैक किया चाहू तो तुझे पर मैं अभी काट कर आठ कर दूँ इस चीज से यहाँ पर सीतू एकदम ज्यादा भड़क चुका था वो कहता है की बस बहुत हो गया अब मैं तुम तीनों को मार दूंगा कोई नहीं चाहिए मुझे किसी को नहीं लेके जाऊंगा बस तुम तीनों को यहाँ पर मैं मार देने वाला वो अपनी पावर को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है ताकि वो सबसे पहले चैनमिंग को ही मार डाले चैनमिंग बिल्कुल शांति से वहाँ पर खड़ा हुआ था और एकदम आराम से खड़े खड़े वो एक तालिसमान को एक्टिवेट कर लेता है जो तालिमानी चेन वाला था जैसे वो तालिसमान बना था उसकी चेन से सीधा का सीधा यहाँ पर सीतू अटक जाता है वो वहाँ से हिल तक

जन्मी को बस देखकर जो सीन दिखाते हैं ये एपिसोड ये यहीं ये पर एंड हो जाता है थैंक्स फॉर